नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने कहा कि तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार गुजरात आया हूँ। आप लोगों ने हर वक्त मुझ पर प्यार लुटाया है। जब बेटा अपने घर आकर आशीर्वाद लेता है तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, उत्साह और जोश और बढ़ जाता है। पीएम ने यह भी कहा कि कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि में पैदा हुआ बेटा हूँ। चुप रहकर देश हित में नीति बनाने में लगा रहा। प्रधानमंत्री ने यहाँ 8,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी, साथ ही 30 मेगावाट के सोलर सिस्टम का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद मेट्रो से ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी पहुंचे। यह मेट्रो अहमदाबाद के APMC से गांधीनगर के सेक्टर 1 तक 33 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस सफ़र को पूरा करने में मेट्रो 65 मिनट का समय लेगी और किराया भी सिर्फ 35 रुपये होगा। वहीं टैक्सी में भी 80 मिनट से ज़्यादा समय लग जाता है और 400 रुपये से भी ज़्यादा किराया देना पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अहमदाबाद से गांधीनगर तक रोजाना आने जाने वाले कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को होगा। इसी के साथ बने